हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ अभिजीत एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एंड आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, जिसका लाइक पर्पस ये होगा कि जैसे कई बार आप कई वेबसाइट्स पे जाते होगे, देन उसमें क्या होता है कि आपको एक सर्च बॉक्स मिलता है, ओके। एंड उस सर्च बॉक्स में पर्टिकुलरली जब आप कुछ भी टाइप करते हो तो डेफिनेटली वो आपको सजेशन ऑटोमेटिकली देने लगता है ना। वो बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है। लाइक आप सेलेक्ट बॉक्स में या ड्रॉप डाउन में कुछ नहीं दिखा पाते हो। अगर मैं आपको एक एग्जांपल के टाइप में दिखाता हूँ, सपोज दैट अगर मैं अभी फ्लिपकार्ट की वेबसाइट खोलता हूँ, ठीक है, एंड फ्लिपकार्ट में अगर मैं कुछ भी चीज़ टाइप करता हूँ, लाइक इफ आई टाइप शाओमी, तो फिर ये ऑटोमेटिकली आप देख पाओगे यहाँ पर सजेशन देने लगता है, शाओमी मोबाइल फ़ोन 11, शाओमी फ़ोन 11, मोबाइल फ़ोन 11 प्रो, अदरवाइज ऐसे और सजेशन देने लगता है। लाइक अगर आप मैं टी शर्ट लिखता हूँ तो फिर ऑटोमेटिकली देखो ये सजेशन देने लगता है, टी शर्ट फॉर मैन कॉम्बो, टी शर्ट मैन फुल स्लीव मैन, मतलब ये सारी चीज़ें लोग टाइप करके आते हैं। और इससे क्या होता है, आपको मतलब पता चल जाता है कि हाँ क्या चीज़ आप सर्च आउट कर रहे हो। जैसे सपोज दैट अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो फिर वो उससे रिलेटेड सारे के सारे प्रोडक्ट यहाँ पे दिखाने लगता है। अगर मैं किसी लैपटॉप की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं लैपटॉप में i5 लिखता हूँ तो i5 आपके ऑटोमेटिकली सजेशन देने लगता है, i5 11 जनरेशन, है ना। या फिर मैं कुछ भी लिखता हूँ, लाइक अगर एप्पल लिखता हूँ तो फिर ऑटोमेटिकली आपको देखो सजेशन दिखाने लगता है, ठीक है। इस पर्टिकुलर चीज़ को आज हम बिल्डअप करेंगे एंड इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक API बनाएंगे, जिसमें कि लाइक जैसे डेटा जब हम कुछ भी टाइप करेंगे तो उसमें डेटा फिल्टर आउट होकर के आएगा एंड उसमें काफ़ी सारी API आएगा। जैन उसके बाद हम उसका JavaScript लिखेंगे कि कैसे लाइक जब भी हम टाइप करेंगे तो कैसे इवेंट ट्रिगर होगा। उसके लिए हम एक लाइब्रेरी यूज़ करेंगे ऑटो कम्प्लीट, ठीक है। ऑटो कम्प्लीट ये बहुत ज़्यादा अच्छी लाइब्रेरी, लाइक जैसे आप टाइप करोगे तो ऑटोमेटिकली देखो ये सजेशन देता चला जाएगा, ओके, जो भी लाइक बैकएंड में हमने डेटा क्रिएट किया होगा। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं इस प्रोजेक्ट को एंड आप इस पर्टिकुलर मॉड्यूल को कहीं भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। लाइक अगर आप ई कॉमर्स एप्लीकेशन बना रहे हो या फिर कोई होटल सर्च की एप्लीकेशन बना रहे हो या फिर कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हो जहाँ पे आपको रिजल्ट्स को लाइक शो करना है, देन ये बहुत पावरफुल वीडियो होने वाला है एंड इन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फीचर भी है। इस पर्टिकुलर चीज़ को हम बनाते हैं, उसके लिए मैंने बच्चों क्या किया हुआ है, यहाँ पे आप देख पाओगे एक कंप्लीट जांगो का बॉयलर प्लेट तैयार है। मैंने ऑटो कंप्लीट करके एक प्रोजेक्ट का नाम दिया हुआ है जिसमें लाइक ये सारी चीज़ें हुई हैं एंड इन चीज़ों को अब हम एक इसमें एक ऐप बना लेते हैं, जैसे कि लाइक मेजरली हम लोग जांगो के प्रोजेक्ट में करते ही हैं कि एक ऐप बनाते हैं। उस ऐप में ही हम लाइक सारी जो भी अपनी दिक्कतें होती हैं, लाइक जो भी अपना लाइक लॉजिकल पार्ट होता है, उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ऐप बनाने के लिए लिखते हैं पाइथन manage.py स्टार्ट ऐप एंड ऐप का नाम देते हैं, लाइक मैं ऐप का नाम देता हूँ होम, ओके। सो होम ये ऐप आ गया है। उसके बाद में हम इसके अंदर एक मॉडल बनाते हैं क्लास करके, हम एक एड्रेस बनाते हैं, ठीक है। एड्रेस में क्या होगा, लाइक एड्रेस हम फेकर एक लाइब्रेरी होती है पाइथन के अंदर, उससे हम फेक एड्रेसेस जनरेट करवा लेंगे ताकि हमें ये मिल जाए, या फिर हम किसी के नेम को भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, हम लोग नेम बनाते हैं, ठीक है। नेम मतलब जो भी आप टाइप करोगे वो सारे जो भी उससे रिलेटेड सजेशन होंगे उनके वो नेम को वहाँ पे आकर के रेंडर आउट कर देगा लिस्ट में। सो एक मॉडल बनाते हैं नेम्स करके, ठीक है, और डेफिनेटली ये मॉडल्स डॉट मॉडल से इनहेरिट करेगा एंड इसमें हम क्या कर सकते हैं, नेम कर सकते हैं मॉडल्स, आप लाइक मॉडल अपना कुछ भी लाइक इसमें कर सकते हो, कुछ भी इसमें मैक्स टू मैक आप जो भी लॉजिक लिख सकते हो। मैं एक छोटा सा सिंपल मिनिमलिस्टिक सा मॉडल बना रहा हूँ ताकि जल्दी हो जाए चीज़ें और आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। ये क्लास नेम करके बनाया है एंड इसके बाद अब करते हैं पाइथन manage.py। इस ऐप को हमें पहली बात settings.py में ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। settings.py में हम यहाँ पे चलते हैं एंड यहाँ पे लिखते हैं होम, ओके। अब इस पर्टिकुलर ऐप को माइग्रेट करते हैं मेक माइग्रेशन के थ्रू, ओके। हमारा मॉडल बन चुका है, अब लिखते हैं क्या, पाइथन manage.py माइग्रेट, ओके। सो ये हमारी सारी की सारी माइग्रेशन सप्लाई हो चुकी है। अब तब तक हम चलते हैं एक फेकर करके लाइब्रेरी होती है उसको इंस्टॉल कर लेते हैं,
ताकि लाइक ये रैंडमली हमारे पास जो भी नेम होते हैं वो जनरेट हो जाए पाइथन फेकर करके। एक अच्छी लाइब्रेरी है, लाइक काफ़ी जगह ये यूज़ होती है जब भी आपको रैंडमली डेटा जनरेट करना होता है, ठीक है। सो सबसे पहले पिप इंस्टॉल फेकर करेंगे, ओके। सो पिप इंस्टॉल फेकर एंड इसके अंदर हम एक फाइल बना लेते हैं, कौन सी, सीड डॉट पी वाई करके, ताकि ये डेटाबेस को सीड करेगा, ठीक है। सीड डॉट पी वाई करके हमने बना ली फाइल, और फ्रॉम डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट नेम्स करके, ओके। सो नेम्स करके हमने इम्पोर्ट कर लिया है। अब आप इसमें हमें करना क्या हो गया, डेफ सी डी बी करके हमने फंक्शन बनाया है, इसके अंदर हमें इस पर्टिकुलर चीज को यहाँ पे ऐड करना होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका इंस्टेंस बनाते हैं लाइब्रेरी लाइक उसका, ओके। सो यहाँ पे हमने कर दिया है, ठीक है। अब क्या करते हैं, नेम्स डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट, इसमें हम नेम में क्या पास कर देंगे, फेक डॉट नेम, ओके। ये ऑटोमेटिकली सीड कर देगा। अब इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर हम एक n की वैल्यू पास कर सकते हैं, फॉर i इन रेंज ऑफ 0 टू n करके, ताकि ये उतने नंबर ऑफ पीपल्स को, उतने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करेगा जो भी हम इसमें n की वैल्यू पास करेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, एडमिन डॉट पी वाई में भी इस पर्टिकुलर मॉडल को रजिस्टर करा देते हैं, फ्रॉम डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट, इम्पोर्ट हमें करना क्या हो गया, नेम्स एंड एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर नेम्स, ठीक है। एंड करते क्या है, यहाँ पे डेफ एस टी आर मेथड लिख देते हैं ताकि हमें पता भी चलता रहे ना कि क्या लिख रहा है, अदरवाइज वो वहाँ पे हमें क्या देगा भाई, ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट टू इस तरीके से देगा, ठीक है। ये हमारा पर्टिकुलर सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम एक एडमिन का वो बना लेते हैं, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई क्रिएट सुपर यूजर, ठीक है। एंड सुपर यूजर में हम उसका एडमिन दे देते हैं, ईमेल एड्रेस लीव कर देते हैं, खाली छोड़ देते हैं, पासवर्ड बाईपास कर देते हैं, एंड अब अपने सर्वर को बूटअप करते हैं, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर, ठीक है। सर्वर को अब हम बूटअप करते हैं, एंड अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट को हिट करते हैं और एडमिन पैनल में चलते हैं, ठीक है, और एडमिन 1 2 3 करते हैं, ओके। सो अब यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, अब हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है। सो उसके लिए चलते हैं शेल में, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई शेल, ओके। अब इम्पोर्ट करते हैं फ्रॉम होम डॉट सीड इम्पोर्ट ऑल। अब इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं, जो भी इस फंक्शन का नाम है, लाइक सीड डी बी, सीड अंडरस्कोर डी बी, एंड उसको पेस्ट करते हैं और इसके अंदर 10 डालते हैं, ठीक है। सो हमने 10 डाले हैं तो ये 10 लोगों के नाम क्रिएट कर देगा। अब अगर हम, अभी तो सर्वर हमारा एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, तो हम क्या करते हैं, फ्रॉम होम डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट ऑल, फिर हम करते हैं कि नेम्स डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। तो आप देख पा रहे हो कि इतने लोगों के इसने नेम क्रिएट कर दिए हैं। तो वैसे ही हम सीड को एक बार और एग्जीक्यूट करते हैं, एंड यहाँ पे हम लाइक 50 लोगों को और क्रिएट करते हैं। तो अब ये क्या करेगा, 50 लोगों को और लेकर क्रिएट कर देगा, जो भी हमारा लाइक फंक्शन एग्जीक्यूट किया था। अब नेम डॉट ऑल करेंगे तो इसमें आ रहा है, डॉट काउंट करेंगे तो ये हमें दे देगा लाइक 60 टोटल लोगों का डेटा क्रिएट हो चुका है। और इसको आप यूज़ कर सकते हो फेकर लाइब्रेरी को, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लाइक जब आपको टेस्टिंग करनी होती है तो आपको कई सारा फेक डेटा चाहिए होता है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ों का डेटा मिल जाता है आपको, तो आप उसको डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। एंड अब हम क्या करते हैं, अब हम एग्जीक्यूट करते हैं अपने सर्वर को, पाइथन एंड मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर, ठीक है। हमारा सर्वर बूटअप अगेन हो रहा है। अब हम जब रीलोड करेंगे तो हमें यहाँ पे बहुत सारे लोगों के नेम मिल जाएंगे, है ना। अब इन नेम्स की हम क्या बनाएंगे, एपीआई बनाएंगे, ओके। सो एपीआई यूज़ करने के लिए जब एपीआई आता है तो हमारे मन में आता है कि जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क यूज़ करें, बट ये काफ़ी छोटी एपीआई रहेगी, तो इसमें रेस्ट फ्रेमवर्क की जैसे थर्ड पार्टी एपीआई को नहीं यूज़ करेंगे, हम इसी जैंगो के अंदर ही एपीआई बना लेंगे। तो डेफ गेट अंडरस्कोर नेम्स करके हमने एक लाइक फंक्शन बनाया, और ये रिक्वेस्ट, और अब हम क्या करेंगे, इसमें से एक नेम को फेच करेंगे, ठीक है। तो नेम में हम क्या डालेंगे, सपोज दैट नेम इज इक्वल टू रिक्वेस्ट
डॉट गेट डॉट गेट, इसमें हम सर्च एक की लेंगे या फिर सर्च हम यहाँ पे भी इस लाइक जब की का नाम सर्च है तो उसको भी सर्च कर लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे, ओबीजे इज इक्वल टू, अब हमें मॉडल को इम्पोर्ट करना पड़ेगा, फ्रॉम डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट नेम्स, ओके। फिर हम क्या करेंगे, नेम्स डॉट ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर, अब हम फिल्टर किस पे लगाएंगे, नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर स्टार्ट्स विद इक्वल टू जो भी सर्च में पैरामीटर आया होगा। अब हम इस पर्टिकुलर चीज को सीरियलाइज कर लेंगे, ठीक है। तो पेलोड करके एक लिस्ट बनाते हैं एंड इसमें क्या करते हैं, फॉर ओबीजे इन ओबीजेस, और इसमें इन पेलोड को अपेंड कर देते हैं, मतलब इस पेलोड में, इस पेलोड वाली लिस्ट में हम क्या कर देते हैं, इस नेम को ऐड कर देते हैं, नेम इज इक्वल टू ओबीजे डॉट नेम, और जेसन रिस्पॉन्स से हम यहाँ पे रिटर्न कराते हैं, रिटर्न जेसन, जेसन रिस्पॉन्स को इम्पोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम जैंगो डॉट एच टी टी पी इम्पोर्ट जेसन रिस्पॉन्स, ठीक है। अब जेसन रिस्पॉन्स में हम यहाँ पे पेलोड को भेज देते हैं स्टेटस ऑफ लाइक 200 या फिर हम 2 भेज सकते हैं, ओके। एंड पेलोड इज इक्वल टू पेलोड, ओके। सो ये हमारा काम हो चुका है, बस हमें यहाँ पे एक चेक लगाना पड़ेगा इफ सर्च, अदरवाइज हम यहाँ पे एम्प्टी पेलोड भेज देंगे, ठीक है। बस अब हमारा काम हो चुका है एंड अब इस पर्टिकुलर एपीआई को हम लाइक चेकआउट करते हैं, गेट नेम्स को हम एक अलग यूआरएल में ना मैप करके यहीं से इंपोर्ट कर लेते हैं या यहीं पर ऐड कर लेते हैं क्योंकि बहुत छोटी एपीआई है। फ्रॉम व्यूज फ्रॉम होम डॉट व्यूज इम्पोर्ट कॉल कर लेते हैं, फिर पाथ एक बनाते हैं गेट नेम्स करके, ओके, एंड गेट नेम्स को हिट कर देते हैं, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर एपीआई को चेकआउट करते हैं तो चलना पड़ेगा हमें यहाँ पे, और यहाँ पे लिखते हैं क्या, गेट हाइफन नेम्स, तो हमें यहाँ पे अभी पेलोड में एम्प्टी मिल रहा है, आप देख पा रहे होगे। एंड जब हम इसमें सर्च में कुछ वैल्यू डालते हैं, सर्च इज इक्वल टू डी ए, तो ये हमें जो भी लाइक मैच कर रहे होंगे, डेविड विलियम्स, डेनियल टेलर, डेविड स्मिथ, और इसके आगे अगर हम एन लिखते हैं तो हमें एक ही मिलता है डेनियल करके, अगर हम डी एफ करते हैं तो हमें कोई नहीं मिल रहा है, अगर हम यहाँ पे एस लिखते हैं तो भी हमें कोई नहीं मिला, यहाँ पे हम ए लिखते हैं तो हमें ये सारे मिल रहे हैं नेम। तो आप चेक कर पा रहे हो कि हमारी ए पी आई चल रही है एंड और भी हम नेम जनरेट कर सकते हैं अगर आप चाहो तो यहाँ पे लाइक, ताकि लाइक थोड़ा और अच्छा लगे, बट मैं इतना ही करूँगा। अब क्या करते हैं, अपने फ्रंट एंड की तरफ आते हैं, तो सबसे पहले एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल रिटर्न करवाते हैं, पाथ होम से एक होम करके या फिर इंडेक्स करके एक लाइक वो बनाते हैं, डेफ इंडेक्स और रिक्वेस्ट एंड रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है, एच टी एम एल करके। अब इस पर्टिकुलर राउट को चलते हैं urls.py में ऐड कर लेते हैं पाथ, अगर कोई भी एम्प्टी पाथ पे जाएगा तो हमें इस पर्टिकुलर राउट को कॉल करना पड़ेगा, इंडेक्स वाले राउट को, एंड सर्वर हमारा ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर रहा है तो हम चलते हैं यहाँ पे हिट करते हैं, तो एक सेकेंड सर्वर, तो सर्वर हमारा एग्जीक्यूट कर चुका है एंड टेम्पलेट नॉट एग्जिस्ट, डेफिनेटली ये एरर आनी थी क्योंकि अभी हमने टेम्पलेट्स नहीं बनाई हैं, तो एक टेम्पलेट्स करके एक फोल्डर बना लेते हैं एंड इसके अंदर अब इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल एक ऐड कर देते हैं, ठीक है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, जस्ट इन केस हमें यहाँ पे गलत हो गया है, ओके। सो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल एंड अब इस पर्टिकुलर पेज को रीलोड करेंगे, एक सेकेंड, टेम्पलेट्स इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ओके, अब आ गया हमारा पेज एंड अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके जावास्क्रिप्ट एंड सीएसएस को कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये भी लाइक डेफिनेटली कुछ चीज़ें ऐड करता है अपनी सीडीएन के थ्रू एंड उसको हम ऐड ऑन कर लेते हैं, ठीक है। सो ये सीडीएन का
ये है एंड इसको चलते हैं अभी HTML में ऐड कर लेते हैं HTML5 ऑटो कंप्लीट एंड इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे ही हम पेस्ट करेंगे एंड इसकी स्टाइल को भी हमें पेस्ट ऑन करना पड़ेगा, तो स्टाइल को भी चलते हैं पेस्ट ऑन कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, इसको थोड़ा सा HTML को सही कर लेते हैं। तो अभी हमारा काम हो चुका है, अब बस हमें इस एलिमेंट को ऐड करना पड़ेगा, तो इस एलिमेंट को चलते हैं ऐड कर लेते हैं। ओके, अब हम इसको करते हैं रीलोड, तो आप देख पा रहे होगे लाइक ये इस तरीके का आ चुका है। ठीक है, पेज को हमें छोटा करना पड़ेगा। ओके, अब हम क्या करते हैं इसमें थोड़ा सा बूटस्ट्रैप वगैरह ऐड कर लेते हैं ताकि थोड़ा बहुत स्टाइलिंग वगैरह सही हो जाए इसकी। ओके, सो कॉपी कर लिया है बूटस्ट्रैप को, पेस्ट करते हैं यहाँ पे एंड यहाँ पे क्या करते हैं डेव क्लास ऑफ कंटेनर डेव क्लास ऑफ कॉल एमडी ऑफ 6 MX ऑटो एंड इन चीज़ों को पेस्ट ऑन कर देते हैं। तो ये काफ़ी थोड़ा ठीक लग रहा है, अब बस मार्जिन ऑफ टाइप PT of 5 दे देते हैं। ठीक है, तो ये लुक वाइज अब थोड़ा ठीक हो गया है, अब इसकी फंक्शनैलिटी को हमें यहाँ पे एड ऑन करना है। ठीक है, सो चलते हैं अब इसकी फंक्शनैलिटी बनाते हैं एंड फंक्शन एक सेकेंड आवाज़ देख लेते हैं रिकॉर्ड हो रही है। ओके, गुड है एंड अब चलते हैं स्क्रिप्ट टैग खोलते हैं क्योंकि जो भी लाइक जावास्क्रिप्ट का लॉजिक है वो स्क्रिप्ट टैग में लिखा जाता है। डेफिनेटली आई होप यू अंडरस्टैंड पीपल एंड स्क्रिप्ट। ठीक है, ओके, सो अब हम क्या करेंगे इस ऑटो कंप्लीट को इनिशलाइज करेंगे इस ऑटो कंप्लीट एंड उसकी जो आईडी है उसको लेकर के आएंगे। जैसे हमने यहाँ पे ऑटो कंप्लीट लिखा हुआ है तो डेफिनेटली हमें यहाँ पे हैश ऑटो कंप्लीट लिखना पड़ेगा एंड उसके बाद कॉल बैक खोलेंगे, फिर सर्च इनपुट एरो फंक्शन एंड अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो भी हमारे पास इनपुट आ रहा है तो हमारे पास इनपुट जो भी आ रहा होगा वो यहाँ पे टाइप होगा। ठीक, इनपुट। ओके, सो अब एक बार इसको टेस्ट आउट करके देखते हैं कि लाइक काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। सो पेज रीलोड किया एंड अब यहाँ पे जो भी हम टाइप करेंगे कैनॉट रीड द प्रॉपर्टी ऑफ लेंथ, इसको भी देखते हैं लाइक अभी आप जो भी टाइप करो तो देखो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आता जा रहा है ना। सो इन चीज़ों को लाइक अब मतलब इनपुट वाला काम कर रहा है। अब हमें क्या करना होगा, जैसे ही ये इनपुट टैग हमारे पास आएगा तो हम एक API हिट करेंगे। ठीक है, तो const url करके एक वेरिएबल बना लेते हैं एंड टेम्पलेट स्ट्रिंग बना लेते हैं। तो हमारी जो API है उसका नाम क्या है, गेट नेम्स एंड इसके अंदर हम सर्च में पैरामीटर पास करते हैं search सर्च इज इक्वल टू इनपुट जो भी हमने इनपुट में आया होता है। ओके, सो इनपुट एंड इस पर्टिकुलर राउट को अब हमें हिट करना पड़ता है। सो इसके लिए क्या करेंगे, एक प्रॉमिस खोलेंगे रिटर्न न्यू प्रॉमिस, उसके बाद इसको प्रॉमिस या तो रिजॉल्व होती है या तो फिर रिजेक्ट होती है एंड फेच करेंगे इस URL को, फेच URL, उसके बाद चेन रेस्पॉन्स और इस रेस्पॉन्स को हम JSON में कन्वर्ट करेंगे response.json, फिर एक प्रॉमिस खोलेंगे दैट डेटा इज इक्वल टू रिजॉल्व डेटा डॉट डेटा। ठीक है, एंड अब ये हमारा काम हो चुका है। अब इसके बाद हमें एक और फंक्शन लिखना पड़ेगा जो कि जब ये प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाएगा तो फिर रेंडर करेगा उस रिजल्ट को। ठीक है, सो रेंडर रिजल्ट करके इसमें होता है जो कि क्या लेगा, रिजल्ट को लेगा, उसके बाद प्रॉप्स को लेगा एंड एक और एरो फंक्शन खोलेंगे एंड कंसोल डॉट लॉग करा देते हैं क्या प्रॉप्स को। ठीक है, प्रॉप्स एंड अब इसके अंदर क्या चलेंगे, इसके अंदर हमें चेक करना पड़ेगा जो कि जो भी वैल्यू आई है वो आई है कि नहीं है, उसकी जो लेंथ है उसकी 3 से ज़्यादा है कि नहीं। अगर 3 से ज़्यादा होगी तभी मोस्ट रिजल्ट को रेंडर आउट करेंगे, वहाँ पे ऐड करेंगे लिस्ट में, अदरवाइज नहीं करेंगे। सो एक लेट एक ग्रुप करके वेरिएबल बनाते हैं। ओके, सो इफ
result dot index divided by modulo 3 equal to 0, तो फिर हम group is equal to li class, इसमें class of group देनी पड़ती तभी वो उस तरीके से दिखाता है, तो फिर जो भी होगा वो हम group का नाम दे देंगे, okay? उसके बाद li tag को क्लोज करते हैं एंड रिटर्न करा देते हैं क्या, ठीक है, रिटर्न कराते हैं ग्रुप, फिर li props, अभी मैं सब कुछ बताता भी हूँ, div class of wiki title एंड जो भी हमारे पास रिजल्ट में वैल्यू आई होगी, ठीक है, div li, ओके, सो अब ये हमारा कंप्लीट आउट हो चुका है, सो अब इसको गलती हमने यहाँ पे क्या करी हुई है, यहाँ पे पहली बात हम लोगों ने वहाँ पे पेलोड भेज रहे हैं तो हमें यहाँ पे डेटा डॉट पेलोड करना पड़ेगा, ओके, डेटा डॉट पेलोड एंड यहाँ पे भी डेटा डॉट पेलोड करना पड़ेगा, ओके, सो अब हम अगर पेज को रीलोड करेंगे एंड यहाँ पे कोई चीज़ टाइप करते हैं लाइक सपोज दैट ए करते हैं ए, अच्छा ये ऑब्जेक्ट डॉट ऑब्जेक्ट दे रहा है क्योंकि हमें यहाँ पे रिटर्न में लिखना पड़ेगा रिजल्ट डॉट नेम, ठीक है, जो भी लाइक की वैल्यू रहेगी, अगर आप कुछ और भेज रहे हो तो वहाँ पे वो करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे कुछ भी टाइप करेंगे, ए एस लिखेंगे तो देखो आप यहाँ पे दिखा रहे हैं सजेशन में ए एस, एंड अगर अगर हम डी से करेंगे तो डी से हमारे पास इतने सारे सजेशन आ रहे हैं, एंड उसके बाद अगर हम कुछ भी फिल्टर आउट करते चले आएंगे तो वो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली देता जाएगा। एस से जैसे हमारे पास कोई सजेशन नहीं है, एच से कोई नहीं है, सी से ट्राई करते हैं, सी से हमारे पास तीन नेम है, ई से ट्राई करते हैं, जे से ट्राई करते हैं, जैसे जे से हमारे पास बहुत सारे नेम आ गए, तो इसमें जो भी हम लाइक सर्च करते हैं उसके बाद उस हिसाब से हमें यहाँ पे मिलता जाएगा, तो काफ़ी अच्छा एक वो हो जाता है कि जो भी आप लाइक सर्च आउट कर रहे हो तो उस हिसाब से वो हमें यहाँ पे दे रहा है, ओके, सो आई थिंक ये वीडियो के लिए इनफ है, एंड उससे पहले मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि जो इस लेक्चर का एक फाइनल कॉन्सेप्ट बाकी रह गया है तो उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा, जो लाइक हम इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, जो ये वीडियोस जिनके थ्रू ये आप आ रही हैं उनका लाइक न्यूटन स्कूल है, डेफिनेटली यू ऑल पीपल नो, एंड थोड़ा मैं न्यूटन स्कूल के बारे में आपको बताना चाहूँगा। न्यूटन स्कूल एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको कंप्लीट फुल स्टैक डेवलपर बनने की ट्रेनिंग दी जाती है, एंड अप्रॉक्सीमेटली ये 6 मंथ लॉन्ग ट्रेनिंग होती है, इसमें आपको फ्रंट एंड बैक एंड टेक्नोलॉजी सिखाई जाती है, एंड बेस्ट पार्ट इज आपको कोई भी अमाउंट नहीं पे करना है जब तक आपकी जॉब ना लग जाए। बहुत अच्छी बात है, लाइक अगर आप मतलब लर्न कर रहे हो उसके बाद आपकी जॉब नहीं लग जाती तब तक आपको कोई भी अमाउंट नहीं पे करना, इट्स अ वेरी गुड थॉट, ठीक है। उसके बाद जो भी कंपनीज रिक्रूट करती हैं न्यूटन स्कूल से वो बहुत टॉप नॉच कंपनीज हैं, लाइक ऑल द कंपनीज आर मेजरली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, आप देख पा रहे हो टेस्टिमोनियल्स में, Zomato, Xiaomi, Baiju, Unacademy, Google, Vimeo, Lenskart, Meesho, Udaan, तो बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनीज हैं, एंड सबसे अच्छी बात यहाँ पे कि आपको सारी की सारी लाइव क्लासेस मिलती हैं, इंडस्ट्री लेवल के प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, मॉक इंटरव्यूज मिलते हैं, एंड माई पर्सनल फेवरेट इज़ पर्सनल मेंटरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पर्सनल मेंटरिंग मिल जाती है तो डेफिनेटली आप एक्सपोनेंशियली ग्रो करने लगते हो, एंड ये सारी चीज़ें कंप्लीट पैकेज आपको न्यूटन स्कूल प्रोवाइड करता है, तो डेफिनेटली इफ़ यू वॉन्ट यू कैन पर्टिकुलरली इनरोल इन द कोर्स, यहाँ पे आप वेबसाइट पे आकर के अप्लाई नाउ पे बटन पे क्लिक करके आप अपनी डिटेल्स को फिलअप कर सकते हैं, यू विल गेट अ कॉल बैक फ्रॉम अ न्यूटन स्कूल एक्सपर्ट एंड दैट विल हेल्प यू आउट। सो आई होप ये वीडियो पसंद आया हो, और डेफिनेटली आपको कोई भी डाउट हो तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में हमें रिप्लाई कर सकते हैं, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट, एंड इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को आप कहीं ना कहीं यूज़ करिए, होटल ऐप बनाइए, ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनाइए, उसमें यूज़ करिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो था, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।